जो सबसे पहले क्या है, अस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है और इसके लिए इंटरमीटेंट मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, पॉसिबली ये इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज करते हैं, पॉसिबली एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज अकम्पेन्ड बाई कफ हो जाती है साथ वीजिंग ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस। ओके, और सिम्टम्स मोस्टली ये रात के वक्त होता है और अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, और पेशेंट्स क्या करते हैं जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा होता है। ठीक है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फेस, इमीडिएट फेस और लेट फेस। इमीडिएट फेस में 15 से 20 मिनट में सिम्टम्स आ जाते हैं और एक घंटे बाद डिसअपियर हो जाते हैं, और लेकिन लेट फेस में क्या होता है कि सिम्टम्स 1 से 2 दिन तक रहते हैं और 2 से 3 घंटों में अपियर होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट और क्रॉनिक। इंटरमीटेंट जो है ना वो 2 दफ़ा वीक में होता है और फ्यू मिनट के लिए इसके सिम्टम्स आते हैं, और क्रॉनिक में ये है कि मोर देन ट्वाइस इन वीक होता है और इसके 2 से 3 डेज वीक में ये रहता है और ये सीवियर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एलर्जिक, एलर्जिक का मतलब है कोई एलर्जिक एजेंट, पोलन डस्ट पार्टिकल्स, कैट डॉग डेंड्रॉन्स वगैरह। ठीक है, कोई एलर्जिक होगा वो बाहर से आएगा। ए टॉपिक बाहर से आ रहा है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, जेनेटिक डिस्पोजिशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ए टॉपिक एलर्जिक, ए टॉपिक नॉन ए टॉपिक, नॉन एलर्जिक नॉन ए टॉपिक। इंट्रिंसिक होते हैं इंटरनल फैक्टर, समथिंग इनसाइड, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं हो, ये ओल्डर लोगों में ज़्यादा होता है। अच्छा, ये ड्रग्स से हो जाता है, एस्पिरिन, सीवियर वेदर कंडीशंस हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, स्मोक केमिकल्स एंड फ्यूम्स वगैरह, या फिर ऑक्यूपेशनल टॉक्सिन्स हो गए जिस तरह टोलिन, स्ट्रेस और एंगजाइटी इन कंडीशंस की वजह। अब इसमें आ जाता है पैथोजेनेसिस इसके। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयरवेज में, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है। अच्छा, इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, सबसे अंदर ये जो है ना एपिथीलियल लेयर है, फिर एपिथीलिया है, फिर बेस मेम्ब्रेन है, फिर लेमिना प्रोप्रिया मतलब ये पानी वगैरह, फिर मसल की लेयर है, फिर सब म्यूकोसा में और उसमें ग्लैंड्स है। ठीक है, अब एलर्जी टाइप में क्या होता है कि वो देखो पोलन आया, ये एपिथीलियल लेयर में कुछ सेल्स हैं, गोबलेट सेल, डेंड्रिटिक सेल, एपिथीलियल सेल्स वगैरह हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल ने पोलन को क्या किया, डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, टेक किया, फिर उसे ब्रेक डाउन खा पी के डाइजेस्ट करके टुकड़ों में अंदर भेज दिया लेमिना प्रोप्रिया में। ये जो ये जगह है ये लेमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, इसमें भेज दिया। इधर टी हेल्पर सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स में टी सेल रिसेप्टर्स हैं जो कि एंटीजन इसके साथ बाइंड कर जाएगा और क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 बी सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और आईजीज रिलीज़ करेगा, और आईजीज मास्ट सेल्स पे जाके बाइंड करेंगे तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे जिससे इंटरल्यूकिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस। मास्ट सेल्स बाहर भी प्रेजेंट है एपिथीलियल लेयर के बाहर, ठीक है, आउटसाइड भी प्रेजेंट है, उन पे भी इसी तरह बाइंड करेगा और सेम सिस्टम होगा। और ये है अफरेंट वेगल नर्व और ये है इफरेंट। इफरेंट कहाँ पे आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मस्कुलर लेयर के, मस्कुलर लेयर पे इफरेंट आ रही है। अब सेकंड टाइम जब होगा तो इमीडिएट, ठीक है, सेकंड टाइम जब पोलन आया तो ऑलरेडी मास सेल्स प्राइम्ड हुए हुए हैं, वो देखो आईजीज से, तो फिर एंटीजन पोलर जो है वो स्टक हो जाएगा और मास, जब एंटीजन पोलन स्टक होगा मास सेल्स पे तो वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा मास सेल्स को। मास सेल जब एक्टिवेट होगा तो वो ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज करेगा और कीमो अट्रैक्टेंट्स, कीमो अट्रैक्टेंट्स दो चीज़ें करते हैं देखो, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स लेट फेज में आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे। और साइटोकाइंस तीन, जब इंक्रीज हो जाएगा साइटोकाइंस का लेवल तो वो तीन काम करेगा, एपिथीलियल सेल्स के गैप्स खोल देगा, एंटीजन डायरेक्टली लेमिनर प्रोप्रिया में आ जाएगा और एफरेंट एफरेंट वेगल नर्व जो है वो ब्रेन की जो मैसेज है वापस आएगी, एफरेंट के पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और क्या होगा, ब्रोंकोस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी।
और इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हम लोग सेबा यूज़ करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स और लॉन्ग प्रोटेक्टिव के लिए स्टीरॉइड्स के साथ लेबा लॉन्ग एक्ट। फिर यूसिनोफिल में हम लोग ऐसा करते हैं, लेट फेस पढ़ लेते हैं। लेट फेस 12 to 24 आवर्स के लिए होता है और क्रॉनिक, कोई एंटीजन नीडेड नहीं है, सिर्फ ट्रिगर होगा इस दफ़ा, ठीक है। तो ये ए टॉपिक है, एलर्जन से ट्रिगर हुआ है। लेट फेस में क्या होगा, जो मास्ट सेल्स रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 5, तो वो यूसिनोफिल को एक्टिवेट करेंगे। तो यूसिनोफिल कुछ प्रोटीन्स, डैमेजिंग प्रोटीन्स वगैरह और इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स रिलीज़ करेगा, जो कि एपिथेलियल की डिस्ट्रक्शन करके इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे, इन्फ्लेमेशन कर देंगे। और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज़ करेगा, वो सेम काम करते हैं जो इंटरल्यूकिंस करते हैं। मास्ट सेल्स के दो पाथवेज हैं फॉलो करते हैं मास्ट सेल्स जब एक्टिवेट होता है, लाइपोऑक्सीजिनेज एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज से सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज करवाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिंग जब ज़्यादा होते हैं तो वो ग्लैंड्स और मसल्स पे एक्ट करते हैं, ग्लैंड से म्यूकस रिलीज कराते हैं और मसल की कंट्रैक्शन कराते हैं। और लिपोप्रोटीन्स ल्यूकोट्राइन C4D4E4 रिलीज़ कराते हैं, ल्यूकोट्राइन C4D4 ये भी मसल्स पे एक्ट करते हैं और ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं, नैरोइंग म्यूकस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ऑल द वे नैरोइंग ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और ब्लड वेसल्स पे ऐड करके फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा ऊज आउट होगा और वॉल स्वेल हो जाएंगी और कॉन्स्ट्रिक्शन। लेट फेस एटॉपिक था, नॉन एटॉपिक मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई एलर्जन नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। होल सिस्टेमिक ये जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है ये हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये हाइपर एक्टिवेट होगा जिस तरह किस तरह हो सकता है कोल्ड या स्ट्रेसेस की वजह से, तो क्या होगा, ट्रिगर करेगा एस्थमा को। एस्पिरिन कैसे करता है, एस्पिरिन सी साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जो मास सेल्स का है उसको इनहिबिट कर दे, प्रोस्टाग्लैंडिंस डिक्रीज हो जाएगा लेवल, और इस तरह, और दूसरा क्या करेगा, इम्बैलेंस कर देगा लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे को, लिकोट्राइंस की अमाउंट ज़्यादा होगी, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा।